पीएम मोदी आज वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन करने वाले हैं। चार दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में 50 देशों के एक्सपर्ट्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 10:30 बजे ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन करेंगे। भारत से 15 सितंबर तक आयोजित होने वाला 4 दिवसीय विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन वैश्विक और भारतीय डेयरी स्टेक होल्डर का एक समूह है। इसमें उद्योग जगत के नेता, विशेषज्ञ किसान और नीति योजनाकार शामिल हैं। यह सम्मेलन पोषण और आजीविका के लिए डेयरी विषय पर केंद्रित रहेगा। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 में 50 देशों के लगभग 1500 प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। इस तरह का पिछला शिखर सम्मेलन साल 1974 में आयोजित किया गया था। भारतीय डेयरी उद्योग की सफलता की कहानी सम्मेलन में प्रदर्शित की जाएगी। प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर सरकार ने डेयरी क्षेत्र की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे पिछले 8 सालों में दूध उत्पादन में 44% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय डेयरी उद्योग वैश्विक दुग्ध उद्योग में लगभग 23% की हिस्सेदारी रखता है। यहाँ सालाना लगभग 210 मिलियन टन का दूध उत्पादन किया जाता है और 8 करोड़ से ज्यादा डेयरी किसान इससे सशक्त बनाते हैं।